उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर दूर है जौलीग्रांट हवाई अड्डा। देश के विभिन्न भागों से हवाई जहाज द्वारा यहां पहुंचा जा सकता है। यहीं से सड़क मार्ग द्वारा चार धाम यात्रा व श्री हेमकुंड साहिब के लिए प्रस्थान किया जा सकता है। हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश। जी हाँ, ये है पहला पड़ाव गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ऋषिकेश। नमस्कार, सत श्री अकाल दर्शकों। यूं तो हमारा उत्तराखंड सदियों से अपनी सुंदरता के लिए, पर्वतीय स्थलों के लिए, नदियों के लिए, झरनों के लिए प्रसिद्ध रहा है, मगर यहाँ का एक पक्ष और है, यहाँ के धार्मिक स्थल। हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बार बार यहाँ की सुंदरता के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में दिखाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग चल पड़े हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पे। गुरुद्वारा गोविंद धाम सुंदर घाटी नुमा पवित्र स्थान है, जहां देश विदेश से हेमकुंड साहिब की यात्रा व बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं व गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। गुरु का लंगर रात दिन अटूट यहाँ चलता रहता है। श्रद्धा, विश्वास व अनुशासन की एक अनूठी मिसाल इन गुरु घरों में देखने को मिलती है। सत श्री अकाल दोस्तों, अभी हम गोविंद घाट गुरुद्वारे में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो लगातार 18 से 20 साल से लगातार यहाँ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं, चार धाम की यात्रा कर चुके हैं और आखिर में ये यहाँ पहुँचते हैं। आइए उनसे इस यात्रा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। मेरा नाम राजा रामदास है और मेरा गुरुस्थान राजस्थान जयपुर जिला खंडेला चाड़ोरा धाम। मैं अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जम्मोत्री, मेरी चारों धाम की यात्रा हो चुकी है। मैं पैदल ही गया केदारनाथ भी, पैदल ही गया जम्मोत्री भी और हर जगह पैदल जाता हूँ मैं। मैं अमरनाथ भी जाता हूँ। मैं अभी लास्ट हेमकुंड की यात्रा है मेरी चालू। तो मेरे को आज मेरा रास्ता, मैं पूना गाँव में रहूँगा। कल की यात्रा मेरी पैदल की होगी तो 5 किलोमीटर में सफ़र कर पाऊँगा कल। उसके बाद में थक जाता हूँ, विश्राम करता हूँ रात के। उसके विश्राम के बाद में दूसरे दिन बड़ाव होता है, फिर मैं घांगरिया पहुँच जाता हूँ। फिर वहाँ से कोई ना कोई कंडी या डोली में बिठा देगा, नहीं तो हम पैदल ही जाते हैं वहाँ तक भी। वहाँ के बाद हम सीधा हेमकुंड जाके बाबा जी के दर्शन करता हूँ। 12 बजे की अरदास सुनता हूँ और जो मेरे अंदर होती है मैं उनको अपना दुख सुनाता हूँ। सन 1934 में बंगाल इंजीनियर के रिटायर्ड हवलदार बाबा मोदन सिंह ने हेमकुंड साहिब की खोज की थी। भाई बीर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने श्री हेमकुंड साहिब की सेवा की थी। देश विदेश से यहाँ सैकड़ों तीर्थ यात्री आते हैं और दरबार साहिब में अपनी हाजिरी लगाते हैं। आस्था व विश्वास की अलख जगाते ये श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की ओर अग्रसर होते हैं, भक्ति की पराकाष्ठा की ओर।
चरणन में चुभे रही सूरत प्रभ चरणन में। गोविंद धाम गुरुद्वारा से लगभग 4 किलोमीटर दूर है पुलना गांव, और यहां से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर घांगरिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सत श्री अकाल जी, ये जंगल चट्टी का एरिया है, कुछ लोगों ने जंगल चट्टी इसका नाम बताया है। तो यहाँ से भी लगभग 15 किलोमीटर अभी और हमने जाना है, और उसके बाद रात को वहाँ विश्राम करके सुबह ही हम जो हैं ऊपर श्री हेमकुट साहिब जी यात्रा पे जा पाएंगे। अब मैं अपनी कथा बखानो तप सादत जे बिद मोहे आनो तप सादत। घांगरिया की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लगभग 7 घंटे का समय लगा। पहाड़ी पगडंडियों, रास्तों व निकलते संभलते आगे बढ़ते सुंदर दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम घांगरिया तक पहुंच गए। भूंधार घाटी के सुंदर दृश्यों को भला हम कैसे छोड़ सकते थे। यहाँ पर दो पहाड़ी नदियाँ, लक्ष्मण गंगा जो कि हेमकुंड साहिब से निकल कर आ रही है, व दूसरी नदी काकभूसुंडी जो कि काकभूसुंड पर्वत शिखरों से निकल कर आ रही है, दोनों का यहाँ पर मिलन होता है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर सीधी चढ़ाई और फिर घांगरिया तक का सफर। गोविंद घाट से घांगरिया के लिए चौपर द्वारा भी आया जा सकता है, जिसमें कुल 4-5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। घांगरिया गुरुधाम में विश्राम करते हुए यात्री अगली सुबह का इंतजार करते हैं। यहाँ चारों ओर प्रकृति के सुंदर दृश्य मन को मोह लेते हैं। जैसा बालक पाए सुभाई जैसा बालक। दास बलविंदर सिंह निजी गुरुद्वारा गोविंद धाम संगतां दे प्रथाएं बेनती करदा हाँ कि जो स्थान है गुरुद्वारा गोविंद धाम, इत्थे जो एक दरख्त है उसनों उन्होंने विचों विचों कट के अपनी एक गुफा टाइप का रहने लई जगह बनाई, तो सारा दिन खोज करते करते रात नूं विश्राम इत्थे आके करदे सन। इसलिए ये स्थान भी इस जो सचखंड श्री हेमकुंड साहब का स्थान है बहुत गूढ़ा संबंध है। सो संगतां दे चरणां विच बेनती है कि ट्रस्ट वालों संगतां दे रहायश लई प्रबंध किए गए हैं। तकरीबन 5 तों 6 हज़ार संगत डेली इत्थे तकरीबन 2-3 दिनों तो आ रही है। कल जो 1 तरीक नूं शुरुआत हुई है संगत, उस टाइम संगत का इन्ना प्यार सी कि लगभग 10,000 तो भी मैं लगता उपर संगत इतने पहुँच चुकी सी। संगत की सुख सहूलत मुख रखते हुए प्रशासन और ट्रस्ट वालों ऐसा प्रबंध किया कल भी कुछ संगत बिना किसी रुकावट तो उपर जाके दर्शन कर सकन तो वापस आ सकन। इसलिए इतों तकरीबन 5 तों 7 हज़ार संगत उपर भेजा गया सी, जो वाहिगुरु की कृपा नाल दर्शन दारे करके अपनी खुशियां झोलियां भर के सही सलामत वापस आए हैं। अब मैं अपनी कथा बखानो। गुरु घर में अन्य गुरुद्वारों की तरह ही गुरु जी का अटूट लंगर चलता रहता है। अब मैं अपनी
कथा बखानो तप सादत जे बिद मोहे आनो तप सादत जे बिद। प्रातः 4 बजे भक्तों की टोलियां निकल पड़ती है अपनी आखिरी मंजिल अर्थात श्री हेमकुंड साहिब की ओर। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी, चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, कड़ाके की ठंड, प्रशासन द्वारा 10-15 फुट बर्फ को काटकर यात्रियों के लिए बनाया गया ये सुंदर मार्ग। हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत सिरंग शोभित है तहाँ। आखिरकार 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वह 3 किलोमीटर बर्फ के बीच से गुजरते हुए हमारी टीम पहुंच गई पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब। सप्त सिरंग ते है नाम कहावा सप्त सिरंग ते नाम चारों ओर बर्फ ही बर्फ, मगर श्रद्धालुओं की भक्ति देखने लायक। हम अधिक तपस्या सादी तह हम अधिक तपस्या सादी महाका हेमकुंड जिसे पवित्र तालाब माना जाता है चारों ओर से बर्फ से ढका हुआ था। जितना बयो हमरो आवन के जितना बयो हमरो आवन के तू भी रही सूरत प्रभु चरणन में। सामने ही लक्ष्मण मंदिर हमेशा की तरह अडिग खड़ा था। हमेशा की तरह तीर्थयात्री लक्ष्मण मंदिर में भी दर्शन करना नहीं भूलते। घांगरिया से लगभग 6 किलोमीटर दूर 10-10 फुट बर्फ गिरी हुई है और उसके बीच से होते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ तीर्थयात्री हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये कहाँ से आए हैं और कब आए हैं? जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? हम शायक सील है, हम कलकत्ता से आए हैं। कि कब आए हैं आप लोग? हम लोग आए हैं यहाँ पे 3 दिन पहले, जोशीमठ आए थे, उससे बाद घांगरिया आए और आज हेमकुंड साहिब आए दर्शन करने। पूरा बर्फ से ढका हुआ है, बहुत मेहनत लगी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही पवित्र दृश्य है, देख के बहुत अच्छा लगा। आप बताएं, आप क्या पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? वेरी गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तानिया मुखर्जी सील है और मैं कलकत्ता से आई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पे। चढ़ते वक्त थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले ही हर की दून ट्रैक कंप्लीट किए हैं, तो वो उसके बाद अभी जो वो चढ़ने का जो था वो थोड़ा टफ लगा, लेकिन आने के बाद जो दृश्य हमको देखने को मिला वो सारी थकावट दूर कर दी। सरकार की तरफ से आपने रास्तों में देखा, क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से मुकम्मल उन्होंने साथ दिया है इसका, तीर्थयात्रियों का ध्यान रखा? बहुत बढ़िया वो यू नो अरेंजमेंट हैज बीन मेड, बंदोबस्त किया गया है। मेडिकल कैंप है, छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स भी देखे हैं, बहुत बढ़िया
वॉशरूम है, छोटे टेंट्स है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सू 25 साल हो गए जी आदि मोटरसाइकिल से, अपना असी अपना खेतीबाड़ी सारे धंधे छड के इतने जरूर आई दा पहले दरबार से करके बी सू बहुत चंगा लगता इतने आके। बाकी जब तक जान बच्चे जान जब तक तो यह स्थान अभी छड़ नहीं सकते, आना ही आना। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦ ਆਏ ਥੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਬਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲੇਗੀ ਬਰਫ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ 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 ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਨੀ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਈ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਕਬ ਆਪ ਆਏ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁੰਛ ਸੇ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਬਹੁਤ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਗੇ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਯਹਾਂ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਥਾ ਵੋ ਕੋਈ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾ ਥਾ, तो आज चौथा दिन है मैं यहाँ पे हेमकुंड साहब, जो हमारे गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी की तप स्थान है, मैं वहाँ पे आया हूँ। और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग इधर हैं और आने जाने में भी कोई हमें दिक्कत नहीं आई है, बड़े आराम से बड़े प्यार से जो बाकी की संगत थी उन्होंने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, बड़े आराम से आए, बड़े आराम से गए हैं, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨਵੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕੈਸੇ ਲਗਾ ਆਪਕੋ ਸੁਬਹ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਵਜੇ ਚਲੇ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ 3:30 ਵਜੇ ਨੀਚੇ ਹਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਹੀ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਤੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। यात्रियों का जोश व भक्ति देखते ही बनती थी, और इस तरह हमारा 3 दिन का सफर श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनों के बाद संपन्न हुआ। तीर्थ यात्री यहाँ पर बहुत कष्ट झेलकर पहुँचते हैं, मगर इस उम्मीद के साथ प्रार्थना करते हुए जाते हैं कि अगली बार हम यहाँ जरूर दर्शन करने आए। दिन जो करी अलख की सेवा, दिन जो करी अलख की सेवा, ताते पाए परसन गुरुदेवा। तो दर्शकों, ये थी हमारी यात्रा श्री हेमकुंड साहिब तक। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। आप लोग देखते रहें दूरदर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार, सत श्री अकाल।